स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पन्ना जिले के वन्य जीवों के शिकार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आए दिन वन्य जीवों के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज फिर सामने आया जहां वन्य जीव सांभर का शत विशत अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी लगने के बाद वन विभाग और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्रामगंज रेंज अंतर्गत मांझा बीट में वन्य जीवों सांभर का शत विशत अवस्था में शव पड़ा मिला। प्रथम दृष्टा मामला शिकार का नजर आ रहा है। ये आदेशा लगाया जा रहा है कि कल जब वन विभाग की टीम निर्वाचन में अपनी ड्यूटी कर रही थी, इसी का फायदा उठाकर शिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मामले की बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जानवर के शिकार का मामला आया है, क्या है प्रथम दृष्टया, क्या लगता है शिकार का मामला है या किसी जंगली जानवर ने शिकार किया? आज सुबह तड़के हमारे सुरक्षा श्रमिक जब गश्ती पर थे तब उन्होंने सूचना दी है कि यहाँ पर एक जो सांभर है वो मरा हुआ पड़ा है। तो जिसकी सूचना प्राप्त होते ही हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं समस्त स्टाफ मौके पर आया और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। तत्पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर एक डॉग स्क्वाड पन्ना टाइगर रिजर्व से बुलाया है और यहाँ पर मतलब सर्च किया जा रहा है कि अगर कोई दुर्घटना है ना या शिकार की संभावना हो सकती है तो उस पर भी जांच चल रही है। कौन सा जंगली जानवर है और प्रथम दृष्टया देखा गया है कि आधा शरीर उसका प्राप्त हुआ है? हाँ, ये सांभर है और आप बोल रहे हैं कि हाँ प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये मतलब शिकार हो सकता है अब, लेकिन ये कि आपको हम जब पूर्ण जाँच हो जाएगी या जो हमारे अभी पीएम करेंगे हमारे डॉक्टर साहब बने प्राणी चिकित्सक और वही फिर हमको कुछ बता पाएंगे कि एक्चुअल शिकार है या इसकी नेचुरल मैथ हुई है या इसको जानवरों ने खाया है। ये वन्य प्राणी चिकित्सक की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। कौन सा क्षेत्र है और बीट क्रमांक क्या है? ये वन परिक्षेत्र विश्रामगंज की बीट माझा का क्षेत्र अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो मिला है ये राजस्व क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। सर यहाँ खदाने भी चलती है, खदान के अंदर पाया गया है? चूँकि ये जो क्षेत्र है ये रेवेन्यू क्षेत्र है तो इसमें पूर्व में मतलब सुकृत खदानें थीं जिसमें छुटपुट अभी भी कुछ लोग अपनी मतलब जीवन यापन करते रहते हैं। पास में बस्ती भी लगी हुई है, कोई हो सकता है शिकार किया? अब चूंकि कल आपको पता ही है कि निर्वाचन का दिन था यहां पर और समस्त जो प्रशासन और अमला है ये चुनाव में व्यस्त था, हम लोग भी आज सुबह 5-6 बजे ही फ्री हुए हैं। अब शिकार है या नेचुरल मौत है ये तो हम बोल रहा हूँ कि अब जो हमारे वन्य प्राणी चिकित्सक आएंगे और उनकी जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही हम कुछ कह पाएंगे कि क्या है ये मामला। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।